वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अभी हनी बनी आफ्टरनून नैप ले रहे हैं, काफी थके हारे आए थे, पूल पार्टी था एंड वैसे भी पूल में जाते हो तो अब थक भी जाते हो। एंड बस जुलाई अगस्त उनका समर वेकेशन होगा, सितंबर से वो ग्रेड वन में चले जाएंगे, तो जून में उनके एग्जाम्स वगैरह भी हो गए। अच्छा किया है दोनों ने एग्जाम। एंड बस लास्ट के कुछ स्कूल मतलब टाइम उनका हंसी मजाक वाला चल रहा है तो वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं बैठी हूँ आप लोगों से कुछ यूट्यूब रिलेटेड बातें करने के लिए। कोई भी नेगेटिव कमेंट्स रिलेटेड नहीं है क्योंकि नेगेटिव कमेंट तो पार्ट ऑफ यूट्यूब लाइफ है, तो सबकी थिंकिंग आपके थिंकिंग से मैच नहीं करेगी। बहुत लोग आपको सजेशन देंगे जो कि हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, एंड बहुत लोग ऐसे पोक करते हैं, हेट कमेंट्स भी डालते हैं। कोई एक है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी। बहुत टाइम से जीत को इतना मतलब जो बोलते हैं ना स्लैंग, अश्लील लैंग्वेज में कुछ कुछ बोलते हैं, मुझे भी हनी बनी को भी, बट वो सब अब मैंने देखना वो बंद कर दिया। मैं ये सब डिलीट भी नहीं करती हूँ। हाँ, किसी की थिंकिंग है वो उसको करने दो, धीरे धीरे वो कर करके थक जाएगा या उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। हाँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, कोई समझता है तो ठीक है, नहीं समझा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। जिसने जो धारणा आपके मन में मतलब अपने मन में बना ली ना आपके लिए, तो वो इतनी जल्दी वो चेंज नहीं हो सकती, तो वो सब बातें नहीं। मैं किसी और रिलेटेड बात करना चाहती हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी करने के लिए, बट मुझे डर लग रहा था कि किसी को बुरा लगेगा, कुछ लगेगा, बट आज मैं बोल रही हूँ, अभी से बोल रही हूँ, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़, बट एक बार मेरी बात जो है वो सुन लीजिएगा। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, वीकेंड हो गया या वीकडेज में हो गया, तो बहुत सारे हमारी यूट्यूब फैमिली से हम लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके बात करके। एंड किसी किसी से लंबी लंबी बातचीत होती रहती है, किसी के साथ हम लोग चाय पे चले जाते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं साथ में, या अगर रेस्टोरेंट में मिले देन टेबल शेयर कर लेते हैं, नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, बाद में बातचीत भी होती रहती है। ऐसे भी बहुत सारे यूट्यूब फैमिली जो इंस्टाग्राम से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो गए कि उनके साथ भी नंबर्स एक्सचेंज हुए एंड व्हाट्सएप पे बात होती रहती है। बट जो लोग यहाँ पे मिलते हैं ना, 90% लोग क्या करते हैं ना, घर पे इनवाइट करते हैं। एंड ऐसे डायरेक्टली आप किसी के मुंह पे मना नहीं कर सकते कि नहीं मैं तो नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे, ऐसा नहीं बोल सकते। बट क्या होता है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है ना, जैसे आप हमें बस इन्वाइट किया है घर पे, बट सेम वीकेंड बहुत 3, 4, 5, 6 फैमिली और इनवाइट कर मतलब किए होंगे, तो हम लोग किसके घर जाएं किसके घर नहीं जाएं ये समझ नहीं आता है, या एक के घर जाएं बाकियों के घर नहीं जाएं तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। एंड यूट्यूब में जो ये मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, डेली ब्लॉगिंग, ये मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं अपना डेली लाइफ शेयर करती हूँ, बट जीत का अपना ऑफिस है, अपना मीटिंग्स वगैरह वो जाते हैं, अपने कलीग्स हैं, अपनी उनकी पढ़ाई है, आप लोग देखते हो कि वो कितना लेट आते हैं वीकडेज में, एंड वीकेंड में भी उनके मीटिंग्स वगैरह रहते हैं, बट उसमें जो भी टाइम निकाल के वीकेंड में घर के हज़ारों काम रहते हैं, बच्चों के रहते हैं, एंड प्लस सबसे ऊपर हमारा फैमिली टाइम भी रहता है कि हाँ यहाँ पे कोई कैमरा ना हो, कुछ ना हो, बस हम लोग चारों फैमिली टाइम थोड़ा एंजॉय करें। तो उसमें से वो जो 2 दिन है उसमें हम लोग अगर 5-6 घर किसी के 5-6 लोगों के घर जाएं, वो मतलब पॉसिबल नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं है, मेरा एक ऐसा है कि मैं अगर किसी के घर जाके कुछ खा के आऊँ एंड वापस से उनको अपने घर जब तक बुला नहीं लेती ना, मुझे चैन नहीं आता है। तो 5-6 लोगों के घर हम लोग जाएंगे फिर वापस उनको इनवाइट करेंगे, तो ये पूरा वीक मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा वीक हम लोग ऐसा करें। ये भी अच्छा नहीं कि हाँ एक बार मिले बस रिलेशन खत्म, रिलेशन ऐसा नहीं होता है, और धीरे धीरे वो बिल्टअप होता है, बातचीत होती है, फ़ोन कॉल्स होते हैं, ये होता है, धीरे धीरे बिल्टअप होता है। ऐसे अचानक से आप लोग हमें डेली देखते हो नो डाउट, बट हम लोग आपसे पहली बार मिले होते हैं तो पहली मुलाकात में ऐसे
थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है किसी के घर जाना कुछ होना, तो प्लीज़ आप लोग फिर उसके उसके अगर हम लोग नहीं गए, ऐसा नहीं कि हम लोग हाँ बोलते हैं एंड आप लोग सारा प्रिपरेशन करके रखते हो फिर हम लोग नहीं आते, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम लोग पहले से ही मना कर देते हैं कि हम लोग नहीं आ पाएंगे, बट वो मना करना बहुत ऑकवर्ड लगता है एंड फिर कोई कोई गुस्सा भी करते हैं, नाराज होते हैं। तो प्लीज़ हमारी बात भी थोड़ा सा समझिए, ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सबके घर जाएँ एंड फिर वो सब मेंटेन करें। आप लोग देखते हो कि हमारा सिंपल लाइफ है, हम लोग वीकडेज में ऐसे घर का काम कुकिंग वगैरह, वीकेंड में थोड़ा बाहर जाते हैं। यहाँ पे हमारे बिल्डिंग में किटी पार्टीज वगैरह सारी लेडीज़ का है, मैं वो सब नहीं अटेंड करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि बैठ के हाँ यहाँ पे थोड़ा गप्पे मारो ये सब। मेरा कोई ऐसा बहुत क्लोज फ्रेंड भी नहीं है जिसके साथ मैं आउटिंग पे जाऊँ। मैं अपनी फैमिली में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी है मतलब फ़ोन पे ज़्यादा बातचीत होती है, जैसे मैं अकेले किसी फ्रेंड के साथ नहीं जाती हूँ। हाँ फैमिली गई तो वो अलग बात हुई। यूट्यूब में इतने सालों से हूँ बट मेरा कोई भी यूट्यूबर फ्रेंड नहीं है, ऐसे कुछ किससे भी हादसे भी हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा यूट्यूबर जो भी है उनसे थोड़ा सा दूर रहते हैं, क्योंकि उसमें फिर ना बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए मुझे इन सब मामलों में पढ़ना नहीं है। इसलिए मैं सिंपल सा अपना ब्लॉग बनाती हूँ डेली का एंड आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, एंड आप लोगों को अगर पसंद आता है तो आप लोग देखते हो उसको। बट आप लोग थोड़ा सा समझिए, यूट्यूब्स के अलावा थोड़ा सा पर्सनल लाइफ हमारा है, तो उसमें अगर हम लोग इतने सारे लोगों के घर जाएं फिर उनको वापस से इनवाइट करें वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, एंड एक के घर जाएं एक के नहीं जाएं वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत होना, हम लोग जब भी बाहर मिलेंगे अगर उस टाइम पर टाइम होगा तो हम लोग जाके साथ में कहीं डिनर वगैरह कर लेंगे या कुछ भी स्नैक्स वगैरह खा लेंगे, चाय पी लेंगे, टाइम स्पेंड कर लेंगे, बट ऐसे अलग से फिर किसी के घर जाना वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब नहीं हो पाता है, अच्छा नहीं हो पाता है। फ़ोन पे बातचीत होगी, व्हाट्सएप पे बातचीत होगी एंड कभी कुछ भी ऐसे हुआ तो हम लोग मिलेंगे, बट ऐसे घर पे इनवाइट मत किया करिए प्लीज़। आप लोग प्लीज़ समझिए थोड़ा सा हमारे सिचुएशन, हमारी जगह होके सोचिए कि एक वीक में 5-6 लोगों के घर जाना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग भी समझोगे, बच्चों वाला घर है, बहुत काम रहते हैं, हस्बैंड का अपना ऑफिस भी है, तो वो भी इतना कहाँ वो सब कर पाएंगे। तो बस यही मुझे बोलना था, बाकी और कुछ नहीं है। बाहर आप लोग मिलते हो बहुत अच्छा लगता है, मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हूँ जब आप लोग बाहर मिलते हो, मैं उस टाइम पे कुछ भी कभी भी वीडियो वगैरह नहीं लेती हूँ। हाँ किसी से लंबी बातचीत हुई तो थोड़ा बहुत मैं परमिशन लेके क्लिप ले लेती हूँ, वरना मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हूँ, क्योंकि मैं ना इतना जल्दी मैं घुल मिल नहीं पाती हूँ। बट जीत तो बहुत अच्छे से फ्रेंडली होकर सबके साथ बात करते, ये आप लोग अग्री करोगे जो लोग भी आपसे मिले मतलब हमसे मिले होंगे। तो बस यही एक बात था जो आप लोगों के साथ में शेयर करना था, होप आप लोग समझोगे एंड गुस्सा मत करना प्लीज़, थोड़ा सा समझना, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं फिर से सॉरी बोल रही हूँ, तो प्लीज़। आज बहुत दिनों के बाद चाय पी रही हूँ, चाय पीने का मन कर रहा था तो थोड़ा सा बना लिया। पीने चलो फटाफट। हनी बनी अब खुद से ब्रश करते हैं, रात को खुद से ड्रेस चेंज करते हैं, इनफैक्ट नहाने के बाद भी वो खुद से ही ड्रेस पहनते हैं एंड मतलब ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो गए। बस खाने टाइम मतलब चावल मुझे खिलाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो खुद नहीं खा पाते बट मेरा मन नहीं मानता है, मुझे लगता है कि उनका पेट नहीं भरेगा, तो इसीलिए बस चावल जब वो खाते हैं मैं खिला देती हूँ, वरना रोटी वगैरह वो सब खुद से खाते हैं। रिमूव दैट पैंट एंड वेयर दिस पैंट, ओके इट्स ओके, गो चेंज योर पैंट। तो गाइस डिनर वगैरह हो गया है और मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया था, थोड़ा बातचीत में लग गए थे क्योंकि आज जीत महाराज 8 बजे आ गए थे घर। गाइस नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, तो कैसे हैं आप? बढ़िया, पहले गर्म पानी पी लो फिर। अभी कोविड केसेस फिर बढ़ने लग गए हैं दुबई में, आज कितना हजारा है। हाँ मैं कहा भाई गर्म पानी करते रहो, कोविड ओविड से डर नहीं लगता साहब, लॉकडाउन से डर लगता है। लॉकडाउन तो होने नहीं वाला है कभी भी, बस हाँ बच्चे घर में है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रहना जरूरी है, तो गर्म पानी पीना फ्रिज से स्टार्ट। ऐसे भी हम लोग ऐसे होते जैसे केसेस कम हो जाते हैं ठंडा पानी
और जैसे केसेस बढ़ते हैं गर्म पानी वैसे हमेशा अननेसेसरी। फिर क्या लगता है कि अगर कहीं गलती से आपको हल्का फुल्का कुछ हुआ तो बड़ा एम्बेरसिंग फील होता है, और फिर वही वाला माहौल अगर आपको याद हो कि जब कोविड का टाइम चला था, पहले लोग छींक मार देते तो ब्लेस यू होता था। उसके बाद कोविड के टाइम में जैसे कि छींक मारी तो थ्री लगता था कि जैसे पता नहीं कोई आपका दुश्मन आ गया हो। तो बेचारा जिसको कभी ब्लेस यू पढ़ता था, आजकल हनी बनी को भी नहीं पता कि छींक कुछ बोलते हैं, वो आज भी ये बोलते हैं मामा ब्लेस यू केम। छींक आ रहा होगा ना, मामा ब्लेस यू कमिंग, ब्लेस यू कमिंग। उसको लगता है कि हम बचपन से उनको ब्लेस यू बोलते हैं तो लगता है कि ये इसका नाम ही ब्लेस यू है। एंड एक और चीज मैंने बताया था, हमने किचन में दो बार पेस्ट कंट्रोल किए थे, उसके बाद भी छोटे छोटे कॉकरोच दिखते थे, बट मैं नाम मुझे याद नहीं है किसने रिकमेंड किया था, बट थैंक यू जिसने भी रिकमेंड किया था। उन्होंने बोला था कि रात को डेली सोते टाइम डेटॉल एंड उसमें थोड़ा सा पानी मिला के नमक उसमें ऐड करके अगर किचन पूरा काउंटर एंड चारों तरफ स्प्रे कर दो ना तो कॉकरोच बिल्कुल नहीं आएंगे। तो पिछले 4-5 दिन से मैं वही कर रही हूँ, यहाँ पे मिक्स करके रखा है डेटॉल और उसमें थोड़ा पानी एंड नमक। अरे रुक जाओ, घरेलू नुस्खे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया कमेंट करके बताएं कि किन मोहतरमा ने बताया था। तो पूरा स्लैब में उसी पानी से क्लीन करती हूँ एंड सिंक में वही ये जो पानी है ये पूरा मतलब ऐड करके पानी थोड़ा सा डाल के मैं रख देती हूँ ताकि कुछ भी नहीं आए, एंड बर्तन तो वैसे भी पानी से पूरा धो के यहाँ पे नीचे रख देती हूँ, वो तो सुबह धुलेगा तो वो तो जब है। बट 4-5 दिन में आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक मतलब 70-80% कॉकरोच कम हो गए। मतलब इसकी खुशी का जाहिर आप देख ही रहे हैं, मतलब कितने मतलब एंथुसियाज्म के साथ में बता रही है कि मेरे को जब इन्होंने बताया तो मुझे, मेरे को मैं भी घर आया तो मुझे सबसे पहले ग्रीट करके ये बोला पता है ये स्प्रे मारते ही सारे कॉकरोच गायब हो जाते हैं सही में, और ये स्प्रे काम नहीं कर रहा, एक बॉटल चाहिए तो मैं निकाल के कर रही हूँ। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये ट्राई करना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिन्होंने भी कमेंट किया था थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा कम हो गया। आई थिंक एक हफ्ते बाद ये पूरा बिल्कुल चले जाएंगे, थोड़ा सा रात को मेहनत लगेगा आपको बट बिल्कुल गायब हो जाएंगे, है ना। पूरा अच्छे से क्लीन कर दो, नीचे भी पोछा जो सुबह लगता है ना वो भी इसी पानी से, मतलब कम मतलब पानी में ये ज्यादा ऐड करके पूरा किचन इसी से पोछा लगता है, घर भी मोस्टली इसी से पोछा लगता है पिछले 4-5 दिन से, तो पूरा फायदा हो रहा है। तो शिवा को भी बता दिया जाएगा कि जहां जहां भी जाते हो इसी नुस्खे को लगाओ, हो सकता है कि तुम्हारी तनखा बढ़े। शिवा मुझे बोल रहा था कहां से ये पता चला ये आपको। तो शिवा एक काम करना, जिस को बताना उससे अपनी एडवाइजरी चार्ज कर लेना, बोलना कि मैं नुस्खा बताऊंगा उससे कॉकरोच गायब। हाँ। क्योंकि लोग बेचारे 200-250 ग्राम देके कॉकरोच की सेवा करवाते हैं तो पता नहीं। नॉर्मली हम लोग जो पेस्ट कंट्रोल कराते थे ना तो ठीक हो, 6 महीने तक कुछ नहीं होता था, इस बार ये क्या सर्विस पता नहीं इसने क्या किया है, दो बार आके करके गया कोई फायदा नहीं हुआ। मिस्टर मैथ्यू अगर आप देख रहे हैं तो आपको मुझे फोन करना पड़ेगा एक बार। मिस्टर मैथ्यू बदनाम हो गए वैसे तो, मतलब पिछले 8 साल से हम लोग दुबई में हर बार मिस्टर मैथ्यू ही पेस्ट कंट्रोल करते हैं, इस बार इस बार आपका कारगर नहीं हुआ, तो अगर आप देख रहे हैं तो कल मैं आपको फोन करता हूँ। पूरा अच्छे से सब कुछ क्लीन कर लो, बस 10 मिनट लगेगा रात को। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि दुबई में अगर आप पेस्ट कंट्रोल अगर कराते हैं तो आपको एक वो देके आते हैं कंफर्मेशन कि अगले 6 महीने तक नहीं होगा, और अगर होगा तो फ्री में आके करके जाएंगे। हमने एक बार फ्री वाला लिया, फिर बाद में कितनी बार बुलाया, अच्छा नहीं, पूरा काम डबल हो जाता, सारा सामान निकालो फिर से रखो। मैं कहा चलो ये वाला नुस्खा ट्राई करती हूँ एक बार, अच्छा, कैसे अगर काम मुझे लगा कि किसी को कितनी बार बुलाया हो, वो नहीं है, मेरी बीवी का काम डबल हो गया तभी मना कर रहे हैं, नहीं नहीं छोड़ दो। अरे पूरा मैं कहा तू छोड़ दो भाई, पैसे लिए और अभी तक कॉकरोच नहीं गया, नहीं नहीं छोड़ दो। अच्छा आप समझ में आएगी काम इसी को डबल करना पड़ता है, मतलब एक एक बर्तन निकालो फिर उसको धो के रखो, एक मसाला निकालो। हो सकता है मिस्टर मैथ्यू मैं आपको कल फोन नहीं करूँ, यू आर स्पेयर्ड। चलिए गाइस आज का ब्लॉग ऐसे ही था, मतलब हर कोई दिन तो एक्साइटमेंट नहीं होता, मुझे 2 मिनट ही दिखाना होता था, वो तो आपको रिजल्ट बताना था मैडम को जो स्प्रे मार रही है उसका, आप तो जबरदस्ती थोड़ी देर तक मैं खड़ा हो गया, वरना मुझे बताएगा कि अभी थोड़ी देर बाद आना, मुझे कुछ मुखातिब होना है अपने दोस्तों के साथ में। चलिए गाइस आज का ब्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लू मैचिंग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सो जी का नचना साइनिंग ऑफ, बट बिफोर साइनिंग ऑफ वन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, भूल मत जाना यार
आप लाइक कर देते हो तो कम से कम YouTube बाबा खुश हो जाते हैं, इसको स्प्रेड करते हैं, जिन लोगों को पसंद आता है वो लोग बिल्कुल देखते हैं। बट ये बात आप ब्लॉग की स्टार्टिंग में बोलोगे तो लोग देखेंगे एंड तक स्टार्ट। तो ये वाला छोटा सा कट पीस थोड़ा स्टार्टिंग में लगा देना, उसके बाद बाकी से चला देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, वी आर साइनिंग ऑफ, सी यू टुमारो, बाय।